हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या मैं कहता हूँ, सब खैरियत होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे। और अभी टाइम तकरीबन 12 बजे का हो चुका है, हम सब उठ चुके हैं और घर की सफाइयाँ वगैरह हो चुकी हैं, नाश्ता वगैरह सुबह कर लिया। और अभी मैंने जो है वो नहाना है, तो नहाने के लिए मैंने सबसे पहले सोचा कि कपड़े वगैरह जो है वो देख लूँ कौन से डालूं। और नहा के पानी वगैरह गर्म हो चुका है, तो अभी मैं नहाता हूँ। नहाने के बाद फिर जो है वो मिलते हैं आपसे। दिल तो कर रहा है कमीज सलवार पहनने को, लेकिन फिर जो है वो सर्दी है, थोड़ी सी नहा भी लेता हूँ और फिर जो है वो फ्लू जो है ना वो मुझे होना शुरू हो जाता है, वरना मैं ये पहन लूँ कमीज सलवार। वो फ्लू की वजह से ना बाइक पे जाना होता है कभी इधर कभी उधर, तो फिर फ्लू ऐसे हो जाता है ठक। तो इससे अच्छा है कि मैं कोई है वो पैंट शर्ट ही पहन लूँ। तो पैंट शर्ट देखते हैं, इसके साथ ये पैंट है जी बोली ठीक हो गया, ये पैंट पहन लेते हैं और ऊपर से शर्ट, पहले टी शर्ट पहनूँ या ये शर्ट पहन लेते हैं ऊपर से, और उसके ऊपर भी कोई शर्ट पहननी पड़ेगी हमें, तो वो मैं डिसाइड करता हूँ और करके तो फिर नहाते हैं सबसे पहले। जी गाइस, तो अभी गए और अभी नहा के जो है वापस आ चुके हैं। मानत मिनट और गिनने लगा था, ये बैठी है मानो क्या हाल है, हाल मेरे काके की खराब है पर देखे खुश रहती है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कहा वो मेरे एक छोटा सा मुँह रह गया, दांत आ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से बड़ा मसला बन रहा है, जुकाम भी साथ साथ खांसी भी शुरू हो गई है और तबीयत दांत भी आना शुरू, सारा कुछ एक साथ ही हो गया है ना। मानो उल्टियां भी आज की हैं इसने। ये देखो ये क्या है, कौन सी फारसी बोलते हो, ओ बिस्मिल्ला गिर गया, ए क्या हुआ, मामा की तरफ देख रही है, ओए दादा बाबा बोलो, बाबा मामा बाबा दादा, अच्छा चलो बोलो दादा दादा बोलो दादा, हाँ माशाल्लाह दादा, फिर बोलो दादा, हाँ थैंक दादा दादा। चलो तो मैंने नहा लिया और नहा के जो है वो अभी काम वगैरह पे चलते हैं, और मानो जो है ये शिक लो, आप भी रेस्ट करो और फिर जो है मेडिसिन भी आपकी लेकर आता हूँ, मेडिसिन खानी है, इधर हाथ ना लगाओ, इधर ना हाथ लगाओ, बस ये दर्द होता है इसको ना, हे पता नहीं आपको दर्द होता है आपको अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। ये साफ, ये देखो कितनी बुरी खांसी हुई है। तो अभी मानो क्या कहना था मैंने मानो के लिए आज इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो बकरी आ जाएगी, गोट दूध देने वाली बकरी जो है वो मैंने आज लेकर आनी है इंशाल्लाह। तो अभी जाने लगे हैं बाहर काम के सिलसिले में, तो जैसे ही आएंगे वापस तो फिर मानो के लिए जो है वो बकरी ले गया ताकि ये दूध पिए, और इसके दांत वगैरह आ रहे हैं ना तो बड़ी तकलीफ में है, सारा दिन बड़ा जो है ना इसका आवाज़ ऐसा निकलता, बेचारी रो रो के जो है ना उल्टी कर देती है, रोती है तो उसका गला खुश्क हो जाता है, फिर गला खुश्क होता है तो साथ ही उल्टी कर देती है ना, इस तरह ही है ना। अब मैं जाने लगा, मैं चला जाऊँ, मैं जाऊँ, तो चलो आप लेट हो, मैं जा रहा हूँ ठीक है, मामा पास लेटो, हाँ लेट ना कि मेरे साथ जाना, चलो मामा पास जाओ मामा पास नहीं जा रहे, चलो जाओ ना मामा पास, जाओ 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 साथ ही उधर को जाओ ना, सोना जाने सोना जाने, तो मैंने काम जाना ना, फिर जाके फिर वापस आऊंगा, फिर आ जाना मेरे पास ठीक है, ठीक है नहीं चल जाओ, चला नहीं आ रही
रोना शुरू हो गया। क्या हुआ? चला एक चक्कर लगा लेते, इस तरह चक्कर लगा के फिर चले जी। ठीक है, या इधर से बिठा दूं आपको खिड़की में से बाहर। बाहर देख रहे? हम बाहर देख लेते। लो जी, हम बाहर देख लेते। बाहर देख लो। लो जी, हम इधर से जो है वो बाहर देख के। तो अम्मा ना जाना, चलो बैठो, पापा जा रहे हैं काम। चलो ना, अच्छा अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह दी बरकत। मेरी जाने मन है, मेरी सोनी सी जाने मन है, छोटी सी जाने मन। लेट कौ, ये देखो, ओ हो, लेट जा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक। जीजी लेके आता हूँ, ठीक है? आओगे? आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है? बकरी देखनी है? बकरी बकरी लेकर आऊंगा आपके लिए इंशाल्लाह, आज इंशाल्लाह। चलो लेट जाओ, मैं जाऊँ रहा फिर। बाय बाय, मैं जाऊँ वरना इसने रोते रहना। बाय। तो चलते हैं, अभी शाम के हो चुके हैं 3:30, 3:15, 3:15 हो गए, तो चलते हैं। ये देखिए अंदर ही मान रो रही है। आवाज आ रही है उसकी, तो काम भी तो जाना ना जरूरी है, तो चलते हैं अभी, फिर मिलते हैं। मैडम को कितना पास लटाया हुआ है, सबसे आगे लेट के। तो कार्टून देख रही, कार्टून देख रहा इसकी तबीयत नहीं ठीक, अभी उल्टी की है इसने फिर। यार माशाल्लाह, सोनी शीश बेटी है, कमजोर हुई जा। दिखाओ, मैं करो दिखाओ माना मैं। ये लो कार्टून लग गया, ठीक है? देखो फिर रुक गए। कैसे देख रहे? मैं और हाफिज भाई जो है वो वेट कर रहे हैं, अभी बंदों ने आना उसके साथ जाके, तो बकरी लेकर आनी है अभी हमने, तो वेट चल रहा है। बंद कर दी है। बकरा जो आप ले लिया और वो भी जा रहे हैं घर की तरफ। जी गाइस, तो माशाल्लाह से बकरी मारी जो है वो आ चुकी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कह रहा हूँ उसको, आ जाओ इधर आ जाओ। शमा शमा जी, देखो ऊपर छत पे, उधर उधर नहीं, सुबह सुबह इसको 7-8 बजे वो डालना, जो उठा देना इसको, वो जो है ना ऊपर कनक पड़ी है, वो कहता है कनक डाल देना कल, फिर पट्ठे ले आएंगे सुबह। चलो हाँ, ऊपर केला ही हूँ, आ जाओ आना तो। चलो चलो आ जाओ, आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, तो बकरी वगैरह जो है वो मैं ले आया हूँ रात के टाइम तकरीबन।
रात का टाइम तकरीबन 11:30 हो चुके हैं और अभी भी जो है लेकर आ चुका हूँ। इसको इधर बांध दिया, ये ऊपर एक हमारा वॉशरूम है जिसमें हमने जो है इसको बांधा और ये दरवाजा बंद कर लेंगे और इसमें पानी डाल दें ताकि इसको प्यास लगे तो पानी पी ले। ये जग पड़ा हुआ हमारे पास तो इधर ये भर के डाल रख देते। पानी जो है वो मैंने आधा तकरीबन रख दिया भर के। इधर से पहले ये पंखा और ये पंखा होता था और अब ये बकरी हमारी आ चुकी है। ये देखिए बकरी है और इसको जो है वो इधर हमने सुबह के टाइम इसको इस जगह पे बांध दिया करेंगे। ये जो हमारे पास जगह ये गीज़र के लिए थी और इधर गीज़र वगैरह तो सुबह इधर बाहर निकाल देंगे धूप में और रात को जो है ये अंदर लाइट ऑन कर दिया, लाइट में बैठी रहेगी। मिलते हैं फिर गाय सुबह इसको और मैं चलता हूँ नीचे और चाह के हाथ वगैरह धोते हैं। तो अभी गाइस आप टाइम देख सकते हैं कि 11:30 हो गए हैं रात के और अभी भी जो है वो बकरी लेकर आ चुका हूँ, ऊपर बांधी हुई है और जो है सांस मिला सुख का। ईमान मेरी जो है वो छोटी सी बेटी है और उसके लिए जो है मैंने ये छोटी सी जद्दोजहद की है कि वो ताज़ा दूध जो है इसका पी लिया करेगी, इसलिए हम बकरी को घर में लेकर आए हैं। और वैसे भी ये मुझे एक बंदे ने बोला था कि ये पैगंबरी शेर है और वो भी मेरे जो है ना बहुत कहते हैं दिल को बात लगी थी, तो वो मेरे बड़े दिल को बात लगी थी। और दूसरा नुकसान कोई नहीं है, इसका जानवर है और ये पैगंबरी शेर है, ये नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता रहता है। तो बड़ा अच्छा मुझे मेरा पहला लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैंने अपना मर्जी से जो है वो ये काम किया और इसका बेनिफिट इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम इसका लेंगे फ़ायदा और इंजॉय करेंगे इसके साथ। अपनी ज़िंदगी का एक लाइफ का एक हिस्सा बनी है हमारे, तो हम कोशिश करेंगे अल्लाह ताला इसकी जितनी अच्छी खिदमत हो सके वो करें और ये मेरी बेटी को अच्छे से अच्छा दूध फराहम करें। और साथ साथ जो है ना बताना था, मामा की तबीयत ख़राब हो गई थी शाम में, असल में मैंने लेकर आनी थी शाम में, तो शाम में तबीयत ख़राब हो गई फिर मैं चला गया घर आ गया। डॉक्टर ने ड्रिप वगैरह लगवाई, वो वीडियो आप शायद ने देखी हो, मैं डाल दूंगा। मैंने थोड़ी सी बनाई थी लेकिन मैंने जो है ना वो कुछ रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वैसे मैंने थोड़ी सी जो है वो वीडियो रिकॉर्ड की थी, बोतल लगी हुई थी मामा को, तो इसलिए जो है रात के 11:30 बज चुके हैं और अभी लेकर फारिग हुए हैं। और आज का भी लोग यहीं पर एंड करते, उम्मीद करता हूँ आज का आपको भी लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।